श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज नीमच में भव्य सामूहिक प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि भागेश्वर मंदिर नीमच से प्रारंभ होकर हेमुकालिनी चौराहे पर हेमुकालिनी को माल्यार्पण कर पुनः भागेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त हुई। कड़कड़ाती ठंड में भी बच्चे, बुजुर्ग, महिला व पुरुष, हर वर्ग के व्यक्ति ने इस प्रभात फेरी में जमकर हिस्सा लिया और श्री राम जी की धुन पर झूमते हुए पूरा वातावरण आनंदमय भक्तिमय कर दिया। आइए देखते हैं AA एडवेंचर्स की ये खास रिपोर्ट। आते जाओ, चलो उतरते जाओ। जय रघुनंदन जय
आज की प्रभात फेरी क्या संदेश देगी? राम जी की 500 साल बाद घर वापसी है, इसके विषय में हमने पूरी प्रभात फेरी निकाली है और सबको राममय कर दिया। मेरा नाम गुरमुख दास दादवानी, बागेश्वर महादेव आश्रम अध्यक्ष। आज आपको कैसा लग रहा है प्रभात फेरी में? पूरा विश्व राममय हो गया है, ऐसे ही सिंधी समाज भी पूरा राममय हो गया है। आज ये आपको तैयारी में कितने दिन लगे? कोई तैयारी नहीं है, बस राम की लीला, राम जाने। तैयारी करने में सिर्फ 1-2 मिनट ऐसे ही लगते हैं। बस राम जी का जन्म उत्सव है, बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से पूरा समाज का पूरा विश्व मना रहा है। 22 तारीख का आपको इंतजार है बहुत? 22 तारीख बस आ ही गई है, चंद क्षणों का इंतजार हो गया बाकी। आप क्या क्या करेंगे उस दिन? 22 तारीख जो राम जी करवाएंगे वो सब होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का माहौल आपको क्या लग रहा है? बहुत बहुत ही अद्भुत माहौल है, और ये माहौल, ये राम भगवान जी जो 500 साल के बाद आए हैं, ये माहौल तो होना बनता है, और हो सके तो इससे और अच्छा माहौल बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे राम भगवान जी, हमारे जो राम भगवान जी जिनका अयोध्या था उनको वापस उस स्थान पे लाया जा रहा है। ये लोगों की खुशी है, इतना हर्ष और उल्लास देख के इतना अच्छा लग रहा है। जब छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से हाय हेलो नहीं करके बोलते सीताराम, जय श्री राम, ये सुन के इतना अच्छा लगता है कि क्या माहौल कर दिया है मोदी जी ने। आप कल के लिए हमारी सिंधी बहनों को क्या संदेश देंगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें, राम भगवान के आने की खुशी को और हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। आहूजा जी, आपको क्या लग रहा है माहौल और क्या संदेश देंगे? कल 22 तारीख है, सबको इंतजार है, मात्र कुछ घंटे बचे हैं। ऐसा लग रहा है कि वापस राम राज्य जिसकी कल्पना हमने कई वर्षों से की थी और हमारे पुरखों ने लगभग 500-700 साल से जिसकी कल्पना की थी, मुगलों के पहले का जो राम राज्य था, वो वापस राम राज्य वापस आ रहा है। और हमको हमारे राम लला के दर्शन अयोध्या में पुनः होने जा रहे हैं, और हमारे राजा रामचंद्र की प्रतिष्ठा जो कल हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह, उसके लिए पूरे दुनिया भर में उत्साह और उमंग फैला हुआ है। उसी तारतम्य में यहाँ आज बागेश्वर महादेव के तत्वाधान में भी समस्त सिंधी समाज ने एक रैली निकाली है, बहुत अभूतपूर्व प्रभात फेरी निकाली है, जिसमें सारे समाज ने मिलकर राम नाम की धुन लगाते हुए और ये कार्यक्रम किया है। और कल भी बहुत जोरदार कार्यक्रम 22 तारीख को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया गया है। और अब मैं क्या कहूँ, आप खुद देख रहे हैं, इतनी उमंग, इतना उत्साह सब में भरा हुआ है कि बस उनको तो ऐसा लगता है कि उड़न खटोले में बैठ के जावें और प्रभु राम के दर्शन करके आवें। ऐसे राम नाम का पवित्र उच्चारण मुँह से होने पर मुख शुद्ध हो जाता है, और 2 बार राम नाम लेने से मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। ऐसे परम आनंददायी राम नाम को कल से पूरे हिंदुस्तान में घर घर में फैलाना है। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। बहुत ही सुंदर माहौल लग रहा है, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। 500 वर्षों बाद रामलला कल प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, वो बैठेंगे अयोध्या में, इसकी चारों तरफ खुशी का माहौल है, और हम लोग भी सिंधी समाज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज प्रभात फेरी बहुत इंजॉय किया, सब बच्चों ने, महिलाओं ने, और कल भी हमने कई कार्यक्रम रखे हैं। कल के कार्यक्रम में बच्चों को एनसीडीएस प्रतियोगिता है, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब बच्चे बन के आएंगे, और महिलाओं और बच्चियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है। उसके बाद सारे मंदिरों में दीप जला के जगमगाहट करेंगे हम बागेश्वर महादेव आश्रम में। जय जय सिया राम। आज पूरा राममय माहौल है, आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ राम नाम की गूंज है, जिसका हमें सदियों से इंतजार था, वो प्राण प्रतिष्ठा कल है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे समाज ने रामधुन निकाली है, और कल भी फैंसी ड्रेस, रामधुन, भजन कीर्तन है, और राममय है हमारा पूरा समाज, पूरा देश। जय जय सिया राम। जिस दिन का इंतजार था वो घड़ियां समाप्त हो गई, राम राज आ गया, ऐसा लगता है राम राज आ गया है। जो माहौल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया, देश में नहीं, पूरी दुनिया में राम जी का माहौल बन गया है।
बड़ा आश्चर्य है, बड़ा चमत्कार है ये। जय सियाराम। पूरा देश राममय हुआ है। कल भी हमारे समाज के बागेश्वर मंदिर में विशेष प्रोग्राम रखे गए। पहले हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, बच्चे रामायण की तर्ज पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन लगा गया है, भजनों की धुन से पूरा समाज एकत्रित होके ये राम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मना रहे हैं। विदेशों में भी भगवान राम की धूम है और बहुत जोरदार तरीके से सब में उत्साह है। भगवान राम ने जो अपने आदर्श स्थापित किए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो अपने को भी उन आदर्शों पे चलेंगे। जैसे रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अपने को उनके आदर्शों पे चलेंगे और मानेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि हे सीते, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण निशावर कर सकता हूँ, पर मैं दिया हुआ वचन कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए जो भी उनके ऐसे अनेक हैं, अनेक उदाहरण हैं, उन उदाहरणों पे अपन चलेंगे तो ही ये अपना सही सार्थक होगा। बहुत ही आनंद आनंद आनंद। राम राज्य, सच्चा राम राज्य जिसे कहा जाए, वो आज पृथ्वी पर, धरती पर आ चुका है और हम सब आतुर है कल 22 जनवरी को अपने घर घर में दीप जलाने की और दीपोत्सव मनाने के लिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज प्राण प्रतिष्ठा की सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज जो माहौल है पूरे अयोध्या, मतलब पूरी नगरी अयोध्या ही लग रही है, सबने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया है। मतलब दूसरी दिवाली के रूप में हम सभी आज के दिन को जाने जाएगा। कल आप घर पे क्या करेंगे? शाम को सवेरे जो 11 से 2 बजे तक का प्राण प्रतिष्ठा का लाइव है, आप सभी अपने अपने घरों में देखें या मंदिरों में जैसे प्रोजेक्टर्स लगे हैं, टीवी लगी है, उनमें देखें। और शाम के टाइम पे सभी अपने घरों में दिए लगाएं, दिवाली मनाएं, फटाके करें, आतिशबाजी करें। मिठाई नहीं बांटोगे? मिठाइयाँ भी बांटेंगे, राम धुन है, फैंसी ड्रेस है, भजन कीर्तन है और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में पूरा देश खुशियों से खुशियां मना रहा है। और यहाँ बागेश्वर में भी कल बहुत सारे आयोजन हैं और इसमें सभी आमंत्रित हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि कल सब घर घर में दिए जलाएं, आतिशबाजी करें जैसे दिवाली पे करते हैं, सब खूब खुशी से मिठाइयाँ बांटे, बहुत अच्छे से ये त्यौहार की तरह एज ए दिवाली मनाए, राम प्रतिष्ठा का आयोजन। मैं सिंधी सोशल ग्रुप की अध्यक्ष सिमरन सोनी में बताना चाहूँगी कि 550 साल के बाद जो ये राम जी की अयोध्या बनी है अपनी, और पूरे शहर में जो दिवाली का वातावरण लगा पड़ा है जो बहुत ही अच्छा है, और हम सब लोगों ने जो सिंधी समाज ने एकता का प्रतीक दिया है, और हम सभी लोग कल भी दीपावली घर में दीपावली घर घर दिए जलेंगे, लाइटिंग होगी, और आज से पूरे शहर में बहुत अच्छा माहौल रहा है। कल कितने दीपक जलेंगे बागेश्वर मंदिर पर? 501 दीपक जलेंगे और हर समाज के सभी लोग यहाँ पर आएंगे और दीपावली का बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम।